कि इसका काला कलर है, काले शीशे, बिल्कुल जेड है भाई, ये देख लो, दिख रहा होगा तो रिकमेंडेड भाई, किसी को नहीं आएगा। तो ये देखो स्पोर्ट्स मोटर पे कुछ ऐसा इसका मीटर आता है भाई। के अलॉय व्हील आप देख सकते हो, ब्लैक कलर और उसके ऊपर भाई क्रोम के अलॉय, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। लेने ऐसा गए थे ना, फैमिली कार देखने गए थे। हाँ, और देखा ये पसंद आ गई तो बस। अच्छा, तो इसके अगर दिखाऊं तो लाइट वगैरह तो अपनी क्रेटा से बिल्कुल सेम ही है। चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने पहला परचा उदो हो गया सी जदो हुंदा सी बैठाणा दा अजो काली अट दी रेंज कुड़े पिछा नी करदी डारा दा जीने खेडणा हुंदा मैगन मारा हर रोज उड़ा दे कंबदे नी साडे लाने जौणे सुतिया दे साडे मेंते राजे जमदे नी पप पप तेरा हक दौण का तू चंगा भला हसदा सी मौण का तू आ जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौण का तू साडे उत्तपे उमरा दसदिया नहीं जप्पा तो पछाणे जाने आ हुड कल्चर कैरी करते आ डब्बा तो पछाणे जाने आ ड्रम विच होलो भरिया ने चीर पौंदियां चमदे चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया होगे और मस्त होगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज हम भाई आपको अल्काज़ार दिखाने वाले, अपने चैनल पे पहली बार रहने वाली है। बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन कराई हुई है, आप देख सकते हैं यार, बहुत ही अल्टीमेट अलॉय वगैरह सब चीज डली हुई है। तो भाई का इंस्टाग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यूजर नेम स्क्रीन पर आ ही रहा होगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देर से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। भाई आज की वीडियो हमारे साथ है फरदीन भाई, तो कैसे हैं भाई आप? बढ़िया भाई। भाई गाड़ी तो यार बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट बना हुआ, जैसे कि इसका काला कलर है, काले शीशे, मतलब काली करा रहे भाई पूरी, है ना भाई? ब्लैक के शौकीन हो गया जी भाई। तो भाई ये ना रिकमेंडेड नहीं है, कहीं भाई की देखा देखी में या वैसे देखा देखी में आप कराने लगो। देखो इलीगल चीजें हैं ये सारी चीज, तो हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते, है ना? तो एक मतलब एक गाड़ी की शो या लुक बढ़ाने के लिए कराई हुई है भाई ने, है ना, और शूट वगैरह के लिए। तो ये है सारी चीज, अल्काज़ार भाई बहुत ही अल्टीमेट है। और जैसा अगर दिखाऊं तो अपने चैनल पे पहली बार रहने वाली है, तो भाई सबसे पहले ये बताओ कि मॉडल वगैरह अपना क्या रहने वाला है इसका? भाई 2022 मॉडल है, 2022 डीजल। अच्छा कौन सा मॉडल है? 2022। हाँ, और टॉप एंड है, बिल्कुल टॉप मॉडल है जी। डीजल है ये? डीजल में। तो डीजल रहने वाले, ऑटोमेटिक है जी। तो भाई सारी चीज आपको दिखाने वाले हैं, अगर फ्रंट से दिखाऊं ना भाई, तो भाई जब आप इसको लेने गए थे तो क्रेटा भी दिमाग में आई होगी कहीं ना कहीं, है ना? नहीं भाई, लेने ऐसा गए थे ना, फैमिली कार देखने गए थे। हाँ, और देखा ये पसंद आ गई तो बस। अच्छा, तो इसके अगर दिखाऊं तो लाइट वगैरह तो अपनी क्रेटा से बिल्कुल सेम ही है, सेम ही है बाकी, और चलने में और क्रेटा में ये ज्यादा बढ़िया लगेगी। अच्छा अच्छा, तो ये सारा सिस्टम है। अगर मैं दिखाऊं ना फ्रंट से, तो भाई इसकी ना बस ग्रिल चेंज होकर पूरी लुक बदल जाती है, और थोड़ी सी शायद चौड़ी है क्रेटा से हल्की फुल्की, है ना? तो फ्रंट आप देख सकते हो सिमिलर है दोनों का, क्रेटा का देखा जाए इसका। तो भाई लाइट वगैरह या कुछ चेंज है नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं है, आगे की तो यही सेम है क्रेटा वाली, और बाकी जाली का फर्क है बस। जो बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई पूरी मतलब कि क्रेटा ही है, बस जाली का फर्क है थोड़ा बहुत। तो सारी चीज हम आपको दिखाएंगे, अगर दिखाऊं तो भाई लाइट का रिस्पॉन्स कैसा है इसका? जैसे आपने फ्रंट भी ब्लैक कराया हुआ है अपना, जीरो है भाई रात में तो। नहीं, लाइट का रिस्पॉन्स रात में तो जीरो है भाई, जेट की वजह से दिखता ही नहीं है कुछ भी नहीं, और वैसे भी कोई इसका ज्यादा रिस्पॉन्स रहता भी नहीं है ना। तो ये देख सकते हो बहुत ही अल्टीमेट लग रही है फ्रंट से अगर दिखाऊं, और अब लेके चलते पीछे की तरफ, मतलब अगर दिखाऊं ना गाड़ी बिल्कुल डिसेंट है, ज्यादा कुछ कराया नहीं हुआ है, पर जो भी कराया हुआ है प्रॉपर टेस्टफुली कराया हुआ है। तो पीछे से कुछ इस तरीके की आती है, तो भाई ने कोई एक्स्ट्रा डिफ्यूजर वगैरह या रिफ्लेक्टर वगैरह एड ऑन नहीं कराई हुई है ना भाई, तो जो कराया भाई बिल्कुल डिसेंट काम करा रखा है। जैसे कि आपको पता है भाई बारिश वगैरह चल रही है दिल्ली में, तो भाई गाड़ी इस टाइम गंदी पड़ी क्योंकि पूरे रोड खराब था ना। तो अभी आपको दिखाते हैं इसके अलॉय व्हील, आप देख सकते हो ब्लैक कलर और उसके ऊपर भाई क्रोम के अलॉय, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अगर टायर प्रोफाइल अगर दिखाई जाए ना, तो इसकी टायर प्रोफाइल है अपनी भाई भाई 255/35R20। तो भाई ये 20 इंची की अलॉय व्हील है, जैसे आप कह रहे थे फैमिली का आ रहा है, तो 20 इंची मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है ना, फैमिली अगर जैसे जाती है 5 सीटर करके अभी तो चल रही है। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए, और कैसा रिस्पॉन्स वगैरह, मतलब क्या बढ़िया चल रही है या कुछ दिक्कत? तो भाई बिल्कुल फर्क नहीं है, नॉर्मल कंपनी के अलॉय से और इसमें, और बाकी एवरेज देखा जाए इसका, एवरेज दे देती है 8-9।
आठ नौ की एवरेज देती है और भाई बता रहे थे पांच की भी एवरेज आती है कभी कभार जब भगाते हाईवे पे, जब भाई भगाते क्योंकि देखो पंजे पंजे का फर्क होता है, बंदे कमेंट करेंगे हमारी जात देती है ये देती है वो देती है, देखो भाई चलाने चलाने का फर्क होता है, नहीं तो निकालने के लिए आप 20-25 भी निकाल लो आप भगाओ मत। ये है सारी चीज ओवरऑल। भाई जब आपने लगवाए थे तो ये कटी वटी भी थी कहीं से या नहीं? नहीं ऐसी अलॉय में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, अलॉय तो ऐसे फिट हो गए थे। हाँ बाकी अंदर से बॉडी वगैरह कुछ या बंपर वगैरह काटो हो या हल्का कुछ घिसा वगैरह हो? इसमें तो कुछ नहीं कटवाया अभी, बाकी थोड़ा छोटा मोटा काम इसमें रह गया अभी होने का। तो जैसे ये हैं अपने अलॉय व्हील, तो ये कितने के पड़े भाई आपको? ये 1.10 के पड़े थे, 1,10,000 रुपए के। तो भाई मतलब कि अगर जो पहले थे इसमें उसमें और इसके एवरेज में कितना फर्क था? ये दोनों बराबर है, दोनों में सेम ही है मेरे हाथ में, तो दोनों सेम ही है, मतलब कि दोनों बराबर की एवरेज थी, है ना। तो ये हो गई सारी, हमने बाहर से दिखा दी ना भाई पूरी। अंदर आ जाओ, अंदर दिखाते हैं अंदर क्या क्या कराया हुआ है। तो अंदर आप देख सकते हो भाई, जैसा भाई ने बताया था कि ऑटोमेटिक है और बिल्कुल जेड है भाई, ये देख लो दिख रहा होगा। तो रिकमेंडेड भाई किसी को नहीं है, अगर इसका मीटर दिखाओ ना यार भाई, बहुत ही डिसेंट बढ़िया लगता है ये देख सकते हो आप। बस क्रेटा में अगर ऐसा मीटर आ जाए मजा आ जाएगा ना। हाँ भाई ये देखो बिल्कुल डिजिटल मीटर और ये होगी पूरी अपनी ऑटोमेटिक मोड पे। तो ये देखो स्पोर्ट्स मोड पे कुछ ऐसा इसका मीटर आता है भाई, ये देखिए। तो ये है सारी चीज, अगर अंदर दिखाऊं तो भाई अंदर क्या क्या काम कराया हुआ है बाहर से आफ्टर मार्केट? भाई अभी तक तो इसमें बस स्पीकरों का हुआ था जो हुआ था, बाकी अभी तक तो इसमें कुछ छड़वाया नहीं, लाइटें रह गई इसमें लगने की। बिल्कुल ये एम्बेंड इसके कंपनी से आती है, ये तो कंपनी देती है, ये कंपनी देती है आपको ना। आउटपुट सुनाने वाले इसका कैसा आने वाला है इसमें, जैसा अगर दिखाऊं तो बॉस के अपने। हाय गुड इवनिंग, Enjoy a pleasant and safe drive and don't forget to wear seat belt. तो भाई ये देखो, ये है अपने बॉस के इसके स्पीकर वगैरह, तो इसका आउटपुट सुनाने वाले, तो ईयरफोन लगा लो तो भी आपको एक नंबर वाला मजा आने वाला है। तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं सिस्टम वगैरह की बात को, तो भाई बहुत ही बढ़िया बज रहा है अपना, है ना, बिल्कुल डिसेंट दिया है। इसका एक सबवूफर इधर आता है ना। तो ये हो गई सारी चीज भाई, हमने टोटल ओवरऑल सारी चीज दिखा दी ना भाई। हां भाई सब दिखा दिया। तो भाई अब ये बताओ कि टोटल गाड़ी भाई कितना कुछ पैसा लगा रहा है? भाई बिल्कुल अभी तक तो डिसेंट ही है। हां जी फैमिली कार, बिल्कुल फैमिली कार के हिसाब से फैमिली कार जितने लगा रखा है ना, देखा जाए बस इसमें 1.40 के आसपास लग चुका है, 1.40 से 1.10 के अलग अपना छोटे मोटे बहुत सारे मैट्स वगैरह ये सारी बहुत सारी चीज आगे अभी लगना रह गया इसमें थोड़ा बहुत, है ना। तो अब अगला नेक्स्ट क्या अपग्रेड रहने वाला है अलॉय में, सिस्टम में, किस में भाई? सिस्टम में रहेगा और अंदर थोड़ा इंटीरियर में रहेगा। बिल्कुल, तो अगर दिखाऊं तो ये एयर प्यूरीफायर रहने वाला है अपना, है ना भाई। ये सारी चीज बहुत सारी चीजें रहती है ना, तो ये कुछ इस तरीके से भाई इसका ये सारा सिस्टम आता है। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें दिखा दी है। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।